बिहार में दो दो महामारी का कहर जारी। कोरोना के बाद बिहार सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी किया घोषित। अब तक राज्य में मिले 167 ब्लैक फंगस के मामले। बिहार में लॉकडाउन को बढ़ा सकती है सरकार। कोरोना के कम हुए संक्रमण के बाद मिल सकती है थोड़ी छूट। आज सरकार कर सकती है समीक्षा। बिहार में आज फिर से लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। शनिवार को टीका खत्म होने से नहीं हुआ था टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी जानकारी। सारण में बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 140 ट्रक जब्त कर वसूला 1,25,00,000 का जुर्माना। 25 माफियाओं की हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। नीतीश सरकार ने ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी कानून 1897 के तहत महामारी घोषित कर दिया है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसकी अधिसूचना जारी कर इसे अधिसूचित बीमारी घोषित की है। इसके अनुसार राज्य में किसी भी सरकारी या निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के संदिग्ध या प्रमाणित मामले सामने आते हैं तो उसकी सूचना सिविल सर्जन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। गौरतलब है कि कई कोरोना मरीजों में ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के मामले सामने आए। बिहार में कोरोना संक्रमण के बाद बढ़ रहे ब्लैक फंगस के अब तक 167 मरीजों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 70 मरीज राज्य के विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि शेष मरीजों को दवा देकर डॉक्टर की निगरानी में घर भेजा गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, पहले कोरोना और अब ब्लैक फंगस, इसे भी महामारी घोषित किया गया है, क्या कुछ सरकार अब निपटने के लिए अपने स्तर पर काम कर रही है? देखिए ऋतिक, दो दो महामारियों का कहर जो है वो पूरा देश झेल रहा है। हालांकि कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित किया है और कई ने नहीं किया है। बिहार में कल यानी कि शनिवार को इसको लेकर तमाम जो जानकारियां थी वो निकल कर सामने आ गई थी। डीटीवी भारत ने पहले ही बताया था कि शनिवार को इसे महामारी घोषित किया जा सकता है और सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। ये जानकारी जो है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए दी और उसके बाद इस पर जो अधिसूचना आनी थी वो भी आ गई है। अब देखिए, इसको लेकर जो आप तैयारियों की बात कर रहे हैं वो तैयारियां अभी तक पूरी नहीं की गई है। इसे महामारी घोषित किया गया है, तैयारियां पूरी करने को लेकर समय चाहिए होता है, वो समय सरकार को मिला नहीं है। सरकार के पास समय है भी नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ कोरोना का जो तेज रफ्तार है उसको लेकर तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपने स्तर पर काम कर रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं उसको पहले निपटने में उससे निपटने में लगे हुए हैं। इधर ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ने लगा है। अगर ताजा रिपोर्ट या मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार 170 के आसपास जो है वो बिहार में मरीज मिल चुके हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक मौत की पुष्टि ब्लैक फंगस से नहीं हुई है, लेकिन खबरें निकलकर आ रही है कि 2 से 3 लोगों की मौत भी ब्लैक फंगस के कारण हो गई है। लेकिन देखिए, स्थिति यह है कि ब्लैक फंगस बिल्कुल अलग एक बीमारी है, इससे छुआछूत की यह बीमारी नहीं है। इसलिए हो सकता है कि थोड़ी सी इसमें राहत हो, लेकिन जब महामारी घोषित हो गया है तो अब इसके लिए नए प्रोटोकॉल्स होंगे। इसके लिए अलग से एक कमेटी बन सकती है या इसके लिए जो एडवाइजरी हो सकती है वो आ सकती है कि आपसे इलाज करना है, कैसे इससे निपटना है। इसमें सबसे अहम बात यह है ऋतिक कि अब जो है इसके डेटा को कलेक्ट किया जाएगा और तमाम वो डेटा सरकार के पास आएगा और बिहार के जो स्वास्थ्य महकमा है, बिहार की सरकार जो है वो केंद्र सरकार को भी इसे बिल्कुल। लेकिन अब और ये बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, और एक चुनौती भी होगी बिहार सरकार के लिए, क्योंकि एक तरफ महामारी से हम लड़ रहे थे, कोरोना से 1.5 साल से हम लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस, और इस बीच ये जो बात आ गई सामने कि अब इसे भी महामारी घोषित कर दिया गया, तो बिल्कुल चुनौतीपूर्ण होगा सरकार के लिए भी इन दोनों महामारी से निपटना और सूबे की जनता को भी। अब बिल्कुल देखिए, वो कहा जाता है कि दो दो जिस तरीके से महामारी आई है या दोहरी मार जिसके कहा जाता है, ये दोहरी मार है लोगों पर। सरकार पर क्या है, सरकार कैसे करती है वो उसकी, लेकिन लोगों पर दोहरी मार है। और जो कोरोना सर्वाइवर्स हैं उनके लिए एकदम बिल्कुल चिंता वाली बात थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लैक फंगस लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इसमें उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये चिंता वाली बात हो जाती है जो पहले से डायबिटीज की बीमारी से जूझ रहे हैं। मतलब अगर पहले से जो बीमार है, दवाइयां ले रहे हैं, जो जिनकी इम्यून पावर कमजोर है उनमें ये ब्लैक फंगस ज्यादा असर कर रहा है, ज्यादा उनको प्रभावित कर रहा है। और देखिए, 170 के आसपास जब मरीज मिल रहे हैं तो ये वाकई में संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर देश की बात कर ले तो देश में भी लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरे कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित किया है। बिहार में इसे महामारी घोषित करने के बाद
अब लोगों को थोड़ी सी राहत ये मिल सकती है कि जो व्यवस्थाएं होंगी, सुविधाएं होंगी, इसको अलग करने की बात सरकार सोच रही है। और जैसा कि कोरोना को लेकर अलग वार्ड या अलग कोविड सेंटर बनाया गया या डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया, उस तरीके से ब्लैक फंगस से निपटने के लिए भी सरकार गाइडलाइन जारी करेगी इससे कैसे निपटा जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की है कि उसको लेकर कैसे क्या कुछ देखा जाए, लक्षण क्या हो सकते हैं ये वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आपके चेहरे में कुछ बदलाव नजर आता है, आपके नाक के हड्डियों में दर्द नजर आता है या फिर आपकी नाक बंद हो जाती है, आंख में सूजन होती है, इस तरीके से अगर कुछ लगता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसका इलाज कराएं। अगर शुरुआती दौर में ये पता चलता है तो इसका इलाज है और आप इजीली बहुत आसानी से दवाइयों से इलाज करके आप अपने घर वापस जा सकते हैं। अगर काफी एडवांस स्टेज में अगर आप जाते हैं इलाज कराने के लिए, तब थोड़ी सी संभावना रिस्क कम हो जाती है। और वाकई में सरकार के लिए ये चिंता बढ़ाने वाला है कि पहले कोरोना अकेले था लेकिन अब ब्लैक फंगस ये दूसरी महामारी बिहार में महामारी घोषित कर दिया गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ही इसकी जानकारी दी है और बिहार में अब तक 170 मरीजों की पुष्टि हुई है, हमारे सहयोगी अविनाश ने भी बताया है। और जिस तरीके से बिहार में ब्लैक फंगस भी बढ़ रहा है, यह सरकार के लिए भी चुनौती होगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार अब कमी आ रही है। राज्य में कोरोना का संक्रमण दर 3.11% है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर में 1.01% का गिरावट भी आया है। राज्य में शनिवार को 4,375 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। राज्य में स्वस्थ होने की दर 92.80% हो गया है। वहीं पटना में सर्वाधिक 725 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि राज्य के 16 जिलों में 100 से ज्यादा नए कोरोना मामले पहचाने गए हैं। अररिया में 116, बेगूसराय में 197, पूर्वी चंपारण में 122, गया में 190, गोपालगंज में 145, कटिहार में 185, मधुबनी में 119, मुंगेर में 114, मुजफ्फरपुर में 404, नालंदा में 100, पूर्णिया में 155, समस्तीपुर में 216, सीवान में 131, सुपौल में 132, वैशाली में 117 और पश्चिमी चंपारण में 133 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि की गई है। और बिहार में अब लॉकडाउन को भी बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन को लेकर सरकार ने समीक्षा करना है और यह समीक्षा के बाद यह फैसला आ सकता है। वहीं कोरोना संक्रमण कम होने पर थोड़ी छूट भी मिलने की संभावना है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सख्ती भी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि 25 मई को लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही है, जिसे लेकर जल्द ही सरकार नया आदेश जारी कर सकती है। तो बिहार में अब लॉकडाउन 3 हो सकता है, यानी कि लॉकडाउन पार्ट 2 25 मई को खत्म हो जाएगा। इसे आगे एक्सटेंड करने की कवायद जारी है। हो सकता है कि बिहार में अब लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निर्भय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्भय, बिहार में ये 20 दिन का लॉकडाउन और अब इसे भी बताया जा रहा है कि आगे एक्सटेंड करके लॉकडाउन पार्ट 3 कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऋतिक, आपको बता दूं कि बिहार में 20 दिनों का लॉकडाउन जो लगा हुआ था, 10-10 दिनों के दो लॉकडाउन लगे थे जी। इसे लॉकडाउन पर दरअसल चर्चा है वो तेज हो गई है, क्योंकि कोरोना संक्रमण भले ही प्रदेश में कम हो रहा हो, लेकिन अब बात अगर ग्रामीण इलाके की जाए तो भले ही आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके में संक्रमण की स्थितियां देखने को मिल रही है। और ऐसे में अब तीसरे लॉकडाउन की चर्चा चल रही है और ये उम्मीद किया जा रहा है कि 10 दिनों का एक और लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि सबको जो दूसरा लॉकडाउन जो प्रदेश में लागू हुआ है, जिसमें कई सारे पाबंदियां पहले के अपेक्षा देगी, अब तीसरे लॉकडाउन का ये खबर आ रही जा सकती है, लेकिन तो बिहार में लॉकडाउन पार्ट 3 को भी लगाया जा सकता है, यानी कि लॉकडाउन जो कि बिहार में 25 मई तक लगा है, 20 दिन का ये लॉकडाउन, और ये आज 23 मई है, दो दिन के बाद लॉकडाउन की समाप्ति हो जाएगी, लेकिन इसे अब आगे बढ़ाने की बात चल रही है। बिहार सरकार इस पर फैसला भी ले सकती है, यानी कोरोना संक्रमण में जो गिरावट आई है इसे लेकर बिहार सरकार एक बड़ा फैसला फिर से ले सकती है, यानी कि लॉकडाउन पार्ट 3 कहीं ना कहीं होता दिख रहा है। और जिस तरीके से बिहार में कोरोना संक्रमण का जो रेट गिरा है, बिहार में जो कोरोना के मामले कम हुए हैं, घटे हैं, इसे लेकर बिहार सरकार एक बहुत बड़ा फैसला फिर ले सकती है। और इस पर फिर जुड़ेंगे हम अपने न्यूज रूम लाइव से अपने संवाददाता सहयोगी निर्भय के साथ। निर्भय, एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और बिहार में फिर से लॉकडाउन पार्ट 3 की बात तेज है, ये कवायद जारी है।
बिल्कुल ऋषिक, आपको बता दें कि लॉकडाउन पार्ट 3 की चर्चा जो है वो चल रही है। दरअसल कोरोना संक्रमण के जो मामले सामने आ रहे हैं, मामले भले ही कम हो रहे हैं, सरकारी आंकड़े जो आ रहे हैं वो भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थितियां काफी खराब बताई जा रही है, क्योंकि संक्रमण का खतरा ठीक है। वही दूसरी तरफ जहाँ पिछले अंत संक्रमण की जो रफ्तार है, यानी कि तीसरी भले ही तैयारी कर रही है संक्रमण जी 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 बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है। बिल्कुल निर्भय, तमाम जानकारी जो आपने हमसे साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि बिहार में लॉकडाउन पार्ट 3 की बात तेज हो रही है, यानी कि 25 मई के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में लॉकडाउन को आगे एक्सटेंड किया जाएगा और इसे बढ़ाकर 10 दिन का एक और लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन इस पर बिहार सरकार बहुत जल्द फैसला लेगी। बढ़ते खबरों में आगे, प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लॉकडाउन लगा है, इसके बाद भी राजधानी पटना में ही लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां रात में उड़ाई जा रही है। यहां तमाम बंदिशों के बावजूद भी रात में यातायात पुलिस सड़कों से नदारद रहती है, जिसके कारण व्यवस्थाओं और पाबंदियों को दरकिनार कर गाड़ियां सड़कों पर फर्राटे से भागती दिखती है। जो तस्वीरें हम आपको राजधानी पटना की दिखा रहे हैं, ये राजधानी की सड़कें हैं, रात का ये आलम जहां आप देख सकते हैं गाड़ियां बेधड़क निकल रही है, पुलिस तो कहीं भी नहीं, प्रशासन बिल्कुल नदारद दिख रहा है, और इस तरह की बड़ी लापरवाही फिर से परेशानी के सबब में डाल सकती है। आप देख सकते हैं लोग साइकिल से भी जा रहे हैं, मोटरसाइकिल जा रही है, गाड़ी जा रही है, पूछने वाला कोई नहीं, प्रशासन तक नदारद है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि जहां दिन में प्रशासन चुनौती के साथ काम करता है और लगातार लॉकडाउन को उल्लंघन करने पर लोगों को सजा भी देती है, तो दूसरी तरफ रात के इस अंधेरे में जब लोग इस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन करके सड़कों पर उतरते हैं तो उस वक्त प्रशासन कहां रहती है। मुंगेर में डीएम कार्यालय के बाहर बहाली के लिए आए अभ्यर्थियों ने कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करते हुए नियमों की भी खूब धज्जियां उड़ाई। दरअसल हेल्थ विभाग के द्वारा डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली को लेकर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया, जिसको लेकर कई जगहों से अभ्यर्थी मुंगेर पहुंचे और नियमों का दरकिनार कर हंगामा भी किया। हालांकि अपने ड्यूटी पर तैनात गार्डों के द्वारा बार बार अभ्यर्थियों को दो दो गज की दूरी पर लाइन लगाने को कहा जा रहा था, लेकिन अभ्यर्थी मानने को भी तैयार नहीं थे। बिहार में एक तरफ सरकार कोरोना मरीजों के इलाज के मुकम्मल दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ सूबे में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां मरीजों का इलाज तक नहीं हो रहा। ये तस्वीरें पटना के खगौल अस्पताल के हम आपको दिखाएंगे, जहां पर विधि व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन जो मकान है, जो अस्पताल की जो बिल्डिंग है वो खंडर है। यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ हद तक यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं ठीक है, लेकिन आइसोलेशन वार्ड भी नहीं है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था एक तरफ चरमराई हुई है, हमने कई जगहों की तस्वीर दिखाए हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र नेवरा की भी तस्वीर दिखाई है, वहीं एक सराहनीय तस्वीर पटना के खगौल अस्पताल की है। आप देखें कि यहाँ हर तरह से स्वास्थ्य जो कोरोना का है उसका उपचार किया जाता है, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो चाहे किसी तरह से हो। पहले आप तस्वीरें देखें, ये खगौल अस्पताल की तस्वीरें हैं, आप उस तरफ देख सकते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पर कोविड वार्ड है, यहाँ पर कोरोना का टीका दिया जाता है लोगों को, जो टेस्टिंग की सुविधा है वो उस तरफ आप देख रहे हैं तस्वीरों में वो की जाती है। हालांकि यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं पुराने स्वास्थ्य केंद्रों से मेल खाती है, क्योंकि यहाँ की जो मकाने हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो जर्जर स्थिति में हैं। आप नल देख सकते हैं वो क्या हाल है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं बाँसें लगाई हुई हैं, ये बाँस के द्वारा लोगों को बैरिकेड करके वहाँ पर दिया जाता है वैक्सीनेशन, और ये कुछ खंडर परी इमारतें ज़रूर हैं लेकिन यहाँ पे कुछ काम नहीं होता है। हालांकि यहाँ पे डॉक्टर ज़रूर आते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी आते हैं। ये जो राबड़ी देवी थी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, और ये तस्वीरें आप देख लें, पहले ये वार्ड है। सर ये क्या चीज़ का वार्ड है? कोरोना का टीका कहाँ पड़ता है? कोरोना का टीका पहले यहीं पड़ता था, यहीं पे पड़ता था, अब कहाँ पड़ता है? अभी यहाँ भीड़ ज्यादा हो जाने के कारण रेलवे हाई स्कूल, रेलवे हाई स्कूल में पड़ता है, अब यहाँ टीका नहीं पड़ता है। और यहाँ पे जो उपचार होता है बस वही होता है, डॉक्टर यहाँ रहते हैं समय पे। तो आप सुन सकते हैं साफ तौर पर कि यहाँ जो तस्वीरें हैं वो साफ कर रही हैं कि डॉक्टर रहते हैं, उपचार जरूर होता है, यहाँ अच्छे तरीके से होता है। आप देख लें कि यह जो तस्वीर है यह खगौल के जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी है, बैरिकेटिंग जरूर की गई है। आप देखें कि जो बेड्स हैं वो लगाए हुए हैं, लेकिन जो
स्थिति होनी चाहिए एक अच्छे अस्पताल की, वो यहाँ पे नदारद है। मैम यहाँ पे कोरोना का उपचार होता है? हमारे यहाँ अंडर में एक आइसोलेशन सेंटर है जी, जो कि मतलब वहाँ पे जो भी मरीज भर्ती होते हैं, बहुत बड़े लेवल का तो नहीं है, लेकिन हाँ जो लोग आइसोलेशन में जिनके पास घर में रहने की सुविधा नहीं है वो लोग सभी लोग भर्ती होते हैं। बेड होंगे यहाँ पे? वहाँ 50 बेड है। यहाँ पे इसी अस्पताल? यहाँ नहीं है, नहीं, वो राधा स्वामी सत्संग आश्रम है जी, सगुना मोड़ पे वहाँ पे चल रहा है। इसी अस्पताल का जी। यहाँ मैम कोरोना का टीका दिया जाता है? हाँ दिया जाता है। और मैम टेस्ट होता है यहाँ पे कोरोना का? टेस्ट भी होता है, टेस्ट अस्पताल परिसर में ही हो रहा है जी जी। और वैक्सीनेशन जो है, टीका जो पड़ रहा है, वो यहाँ के रेलवे स्कूल में पढ़ रहा है। मैम ये किस चीज की बिल्डिंग थी जो ये अभी इस तरीके से यहाँ ध्वस्त पड़ी हुई है? ये APSC खगौल की बिल्डिंग है जी, जो कि थोड़ी जर्जर हो गई है, और एक नई बिल्डिंग बनी थी जो कि उसमें अभी चल रहा है, PSC और APSC चल रहा है जी। शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपने सुना कि यहाँ उपचार हो रहे हैं, लेकिन जो सीमित यहाँ पे स्थिति है उसी में हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कोरोना का टीका भी जरूर दिया जा रहा है और वैक्सीनेशन की भी पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना। बिहार में कोरोना का टीका फिर से पहुंच चुका है और अब लोगों को फिर से टीकाकरण किया जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि वैक्सीन कम होता है तो इसका असर स्वाभाविक रूप से टीकाकरण केंद्रों पर पड़ता है, लेकिन अब वैक्सीन फिर से आ गया है तो अब पहले की ही तरह लोगों को टीका लगाया जाएगा। होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका असर टीकाकरण पर पड़ता है, लेकिन आज फिर वैक्सीन आ गई है और टीकाकरण का कार्य 45 से ऊपर वालों को जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है, 18 प्लस वालों को भी पर्याप्त वैक्सीन मिलेगा। RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बार फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा बनाए गए कोविड केयर सेंटर की अनुमति को लेकर हमलावर होते हुए कहा कि सरकार इस महामारी में बिल्कुल फेल हुई है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कई कोविड केयर सेंटर गली मोहल्लों और रिहायशी इलाकों में है, लेकिन सरकार द्वारा ये चलाए भी जा रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के मांग पर वे बहाना कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने अपने सरकारी आवास पर कोविड केयर सेंटर बना करके सरकार को आईना दिखा दिया। अब सरकार में बैठे हुए लोगों की गति साफ सुंदर वाली हो गई है, ना उसे टेक ओवर सरकार कर रही है, ना संचालित करने का निर्देश दे रही है, और जो अपनी कमियां हैं उससे भी उनको गिल्टी फील हो रही है। अब ये नया बहाना दे रहे हैं कि उस इलाके में नहीं खोला जा सकता है। ये ज्ञान राज्यसभा के माननीय सांसद BJP के आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, ये सियासत का संक्रमण मत फैलाइए। कोरोना काल से निपटने के लिए सरकार के साथ साथ कई सामाजिक संगठन ने मानवता की सेवा करने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में कटिहार के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य से लोगों को बेहद राहत मिल रही है। यहाँ बजरंग दल की तरफ से हर एक प्रकार के जरूरतमंदों को दवा, ऑक्सीजन के साथ ही भोजन भी वितरण किया जा रहा है। देखिए, जो अपना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संगठन है, वो समाज सेवा के तौर पर जाना जा रहा है एक संगठन। तो ये अपना इस कोरोना महामारी काल में समाज में ज़रूरत है हम लोगों की, तो हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज भी करा रहे हैं। समाज में जो भी विपत्ति आ रही है उसमें हम लोग हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। सारण जिले में बालू के अवैध व्यवसाय और ट्रकों पर ओवरलोडिंग को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर निलेश देवरे के निर्देश पर अभियान चलाते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार इस अभियान के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में बालू के अवैध व्यवसाय और ओवरलोडिंग के लिए कुल 140 ट्रकों को जब्त किया गया है। साथ ही कुल 27 लोगों को गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें कि जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 22, सोनपुर थाना क्षेत्र में 4, नगर ओपी क्षेत्र में 6, रिवलगंज में 5, पहलेजा ओपी थाना क्षेत्र में 2 के साथ ही कई और अन्य थाना क्षेत्र में कुल 140 वाहन को जब्त किया गया है। वहीं इस कार्रवाई में प्रशासन ने कुल 1,25,00,000 रुपए जुर्माना भी वसूला है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सारण से ये तस्वीर आई है जहां पर अवैध
बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर 140 ट्रक को प्रशासन ने जब्त किया है, जिसमें 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। साथ ही साथ इन तमाम जब्त ट्रकों को जब्त करके करीबन 1,25,00,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। तो बड़ी कार्रवाई बिहार के सारण में निकलकर सामने आई है, जहां पर अवैध बालू माफियाओं में हड़कंप भी मचा है। और इस अभियान में 140 ट्रकों को, ओवरलोडेड ट्रकों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इन्हें जब्त भी किया गया है, जहां पर तमाम अनेक थाना क्षेत्रों से मिलाकर कुल 140 ट्रक है जिन्हें जब्त किया गया, और मौके से 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और इसके साथ ही इस अभियान में 1,25,00,000 रुपए का जुर्माना भी इन सबसे वसूला गया है। तो तस्वीरें सारण की है, जहां पर अवैध बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मौके से 140 ट्रक को जब्त करते हुए 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इस पूरी कार्रवाई में 1,25,00,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके में स्थित चंदन हीरो एजेंसी के बगल में पुरानी भट्टी गली में सेकेंड हैंड AC के कारोबारी को दिन दहाड़े 4 की संख्या में आए बेखौफ अपराधियों ने फोन कर सामान लेने के लिए बुलाया और पिस्टल से कारोबारी पर हमला कर फरार हो गए। हालांकि घटना में कारोबारी बाल बाल बच गया, वहीं इस घटना के बाद कारोबारी और उसका परिवार भयभीत है। नालंदा जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार सड़क हादसों का सिलसिला जारी है, जिसके कारण जिले में सड़क हादसे में लगभग आधे दर्जन लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1 दर्जन लोग बुरी तरह जख्मी है। वहीं ताजा मामला बीन थाना क्षेत्र के छतर विगहा के पास की है, जहां कुशोखोर शेखपुर से बैरीगंज बारात जाने की कड़ी में मोटरसाइकिल सवार को ट्रक ने ठोकर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे VIP पार्टी के जिला अध्यक्ष ने मृतकों के परिजनों के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। जी, हम लोग बराती जा रहे थे, हमको सूचना मिला गया कि नरेंद्र कुमार नाम का लड़का एक्सीडेंट हो गया है, तो इस दौरान हम जल्दी से उपस्थित हुए। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट सर ये 76 बीघा में हुआ। कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे बैरीगंज। कहाँ से? कुशाउखर से। अच्छा, किस चीज के लिए? बारात जा रहे थे। दरभंगा जिले के लहरिया सराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर ब्रह्मस्थान के पास किराए के मकान में रहने वाली 1 वर्षीय महिला द्वारा फांसी लगाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद महिला का शव देर शाम उसके कमरे से पंखे में झूलता लटका मिला, जिसके बाद कमरे के दरवाजे को तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। वहीं जानकारों का कहना है कि महिला का उसके पति और ससुराल से अच्छे संबंध नहीं थे। इधर पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र के गुरहट्टा इलाके में एक महिला ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं खुदकुशी का मामला सामने आते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की शिनाख्त कर रही है। विकास कुमार गुरहट्टा के यहाँ रेंट पर रहती थी अजय पांडे की वाइफ खुशबू देवी करने का सूचना मिला, वो छानबीन की जा रही है, मामला पूरा प्रकाश हो गया। क्या कुछ लग रहा है सर, कि कोई टेंशन था पहले से या? सब जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, परिजनों से पूछताछ करके ही क्लियर हो पाएगा। चतरा के प्रतापपुर के पूर्णाडीह गांव स्थित एक पोखर में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक पोखर में नहाने गया, इसी दौरान वो डूबने लगा। युवक को डूबता देख स्थानीय लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, तब तक उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना के बाद से मृतक के घर में मातम पसरा है। गिरिडीह में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का उल्लंघन करना कई दुकानदारों को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि पुलिस उपाधीक्षक ने चंदौरी रोड में चेकिंग अभियान के दौरान कई दुकानों को सील कर दिया है। यही नहीं, उन तमाम दुकानदारों का चालान भी काटा गया। बता दें कि झारखंड में कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए सूबे में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाया गया है, जिसके बाद से ही तमाम जिला प्रशासन अपने अपने इलाके में चेकिंग अभियान चला रही है।
झारखंड के चतरा टंडवा में प्रसिद्ध चुंदरू धाम मंदिर में अपने चाचा की शादी समारोह में शामिल होने आई एक बच्ची की मंदिर के पास ही नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। दरअसल बच्ची अपनी सहेलियों के साथ नहाने गई, तभी अचानक बच्ची का पैर फिसला और वो खाई में गिर गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे गोताखोरों के द्वारा लगभग 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद नदी से बच्ची का शव निकाला गया। नहाने गई है तो उसमें डूब गई है। मैं आनंद में सबसे पहले यहाँ से थाना प्रभारी महोदय को फ़ोन किया, उसके बाद मैं तुरंत यहाँ पर सूर्य मंदिर के परिसर में आया तो अचानक देखा कि यहाँ पे कुछ लोग 10-20 लोग हैं जो प्रयासरत हैं कि यहाँ बच्ची डूब गई है तो कैसे निकले। हमने भी तुरंत सहयोग करके मानवता के नाते सूर्य मंदिर परिसर में समिति के अध्यक्ष होने के नाते भी हमने पूरा सहयोग। फिलहाल खबरों में इतना ही, आमिर दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीटीवी भारत, नमस्कार।